सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीएनके एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डीएनके एकेडमी। बात करेंगे आज हम विज्ञान की, और विज्ञान में हम 100 एमसीक्यूज, सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं लगातार, और उनको तैयार किया है आपके लिए। ये पहला वीडियो है, पहला पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक की हम बात करेंगे, और अगले वीडियो में इसी तरह से 25-25 क्वेश्चन हर वीडियो में चर्चा करेंगे। खासकर ये जो हमारी सीरीज है एमपी पुलिस जो अभी आ चुकी है, और एमपी पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और एसएससी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, और जो भी व्यापम में जो भी विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर एसएससी पीएससी में भी इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरे को देखें। इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, और फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.dkmppsc.com को विजिट करना होगा, और पीडीएफ को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से भी आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लें, ताकि आपको जो हमारी चैनल के अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें हम पहले क्वेश्चन की, तो बाहर जल के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। देखिए, ये बेसिकली पूछ रहा है कि किस लेंस का बर्ताव करता है। तो जल के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो बर्ताव करता है एक अवतल लेंस की तरह। ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस की तरह। ध्यान दीजिएगा, हवा के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है, लेकिन दिखाई देता है वो उत्तल लेंस की तरह। तो जल के अंदर का जो हवा का बुलबुला होता है वो दिखाई देता उत्तल लेंस की तरह, लेकिन वो जो इस तरह से फंक्शन करता है, जो वर्क करता है, वो अवतल लेंस का वर्क करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि दिखाई देना चीज़ अलग है पानी के अंदर हवा के बुलबुले का, और उसका बर्ताव करना चीज़ अलग है, उसका काम करना अलग है। दूसरा है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो जो साइड मिरर जिसे हम कहते हैं वाहनों के अंदर, आपकी बाइक में भी लगा होगा, बसों में भी आपने देखा होगा, तो वो कौन सा दर्पण होता है। देखिए, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, या तो कोई होगा उत्तल दर्पण, या होगा अवतल दर्पण, या होगा समतल दर्पण। तो जो कारों, बसों और ट्रकों में जो लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण क्या करता है, जो चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा छोटा करके दिखाई देता है। तो जो उत्तल दर्पण होता है, जैसे गाड़ी में लगा हुआ है, बस में लगा हुआ है, तो जो पीछे का जो ट्रैफिक है या पीछे कोई वाहन आ रहा है तो उसको छोटे साइज में करके दिखाएगा, जिससे क्या होता है अधिकतम दूरी तक का हम देख सकते हैं। जबकि अवतल दर्पण इसका जस्ट उल्टा होता है, वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जिस कांच का या दर्पण का यूज़ किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण, वो अवतल दर्पण के कांच का यूज़ किया जाता है। बाकी वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो जो लाइट होती है उसको फैला देता है, एक बिंदु से उसको फैला देता है, जबकि उत्तल दर्पण जो लाइट होती है उसको एक बिंदु पर लेके आ जाता है, उसको चौड़ी जो लाइट होती है उसको एक बिंदु पर यानी कि कम चौड़ा कर देता है, यानी इस तरह से करता है उत्तल दर्पण के लाइट का जो सोर्स है उसको इस तरह से एक जगह मिला देता है, जबकि अवतल दर्पण क्या करेगा, लाइट को इस तरह से फैला देगा। तो ये इसका काम होता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन का क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या है कि द्रव्यमान में कोई चेंज ना हो पृथ्वी का, द्रव्यमान वही बना रहे, लेकिन जो पृथ्वी की त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी जो हो जाती है। जैसे एक ये कोई गोला है, गोले का ये व्यास है, तो व्यास की आधी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा ये त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या को अगर आधा कर दिया जाए तो दिन क्या क्या होगा। देखिए, दिन के साथ जो घटना होगी, दिन 12 घंटे का हो जाएगा। क्यों दिन 12 घंटे का हो जाएगा, कि पृथ्वी की जो घूमने की रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। और जब पृथ्वी अभी 24 घंटे में घूमती है उतने समय पूरा घूमने में, लेकिन जब आधी पृथ्वी जब उसका साइज छोटा हो जाएगा तो वो 12 घंटे में ही अपनी जो एक अपने अक्ष पर घूम जाएगी, तो उससे दिन जो होगा 12 घंटे का हो जाएगा। यदि किसी पिंड को
पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड का क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, ये जो होता है पृथ्वी का जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये जो रफ्तार दी गई है, इसको कहते हैं पृथ्वी का पलायन वेग। पलायन वेग, पलायन वेग क्या होता है? अगर कोई वस्तु या पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाना चाहता है तो उसे इस रफ्तार से जाना पड़ेगा। यदि वो इस रफ्तार को प्राप्त नहीं कर पाएगा, जैसे आप पृथ्वी पर उछलते हैं तो आप पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि आपकी रफ्तार इतनी नहीं होगी होती। यदि आप किसी भी जैसे रॉकेट जो होते हैं इस रफ्तार से अधिक से उड़ते हैं, इसलिए वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जा सकते हैं। तो ये जो होता है, अगर इतना वेग प्राप्त कर ले तो कोई भी पिंड जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा, तो फिर क्या होगा? वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा अगर इस गुरुत्वाकर्षण से वो जाता है तो। चलिए बात करते हैं उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, यानी कि पृथ्वी से वो बाहर होता है उस समय समय ज्ञात करने के लिए कौन सी घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। तो दो घड़ियाँ दी है, लोलक घड़ी और स्प्रिंग घड़ी। लोलक घड़ी क्या होती है? जो पेंडुलम की तरह इधर से उधर दोलन करती है, कभी इधर इस तरफ चली जाती है कभी इस तरफ चली जाती है। तो ये लोलक घड़ी का टाइप होता है, एक होती है स्प्रिंग घड़ी। देखिए, लोलक घड़ी का अगर यूज़ करेगा तो होगा क्या कि जो पृथ्वी पर जी का मान है वो 9.8 समथिंग है, तो जब वो उपग्रह पे जाएगा पृथ्वी से बाहर जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जी का मान जो होता है कम हो जाता है, और जब ये जी का मान कम हो जाता है तो ये दोलन की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, और दोलन की जब गति धीमी हो जाएगी तो जो घड़ी है वो जो घड़ी है उसका जो समय है वो धीमा हो जाएगा, यानी कि कम वो उसका जो 1 घंटा है वो 1.5 घंटे में लगभग बताएगी। तो इसलिए कौन सी घड़ी का यूज़ करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का उसके अंदर यूज़ करते हैं समय को ज्ञात करने के लिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, फिर से प्रश्न को समझते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या मैंने आपको बताई कि व्यास का आधा जो होता है, ये वाली जो हिस्सा होता है किसी गोले का, वो त्रिज्या होता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या यदि 1% कम हो जाए, द्रव्यमान सेम रहे, तो पृथ्वी के तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा पृथ्वी के तल का, वो 2% घट जाएगा। 2%, देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है पहले इसको समझ लें। गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण सबसे पहले ये होता है, कोई भी वस्तु जब गति करती है उसके 1 सेकंड के अंदर उसकी गति में जो परिवर्तन आता है वो त्वरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी अभी कोई गति कोई वस्तु 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रही है, यदि 1 सेकंड के अंदर उसकी गति धीरे 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 बढ़ती जा रही है तो वो उसको त्वरण कहलाएगा। कोई भी चीज़ जो आसमान से टपकती है या ऊपर जब उछलती है तो वापस पृथ्वी पर आती है, क्यों? पृथ्वी उसे गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो उसे खींचता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण जो खींचता है वो जो जब ऊपर से नीचे तक आती है तो धीरे धीरे प्रति सेकंड उसकी जो नीचे गिरने की दर होती है वो बढ़ती जाती है, यानी कि प्रति सेकंड उसकी स्पीड तेज होती जाती है नीचे गिरने की, और प्रति सेकंड लगभग उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 होता है, जिसे हम जी से प्रस्तुत करते हैं, पृथ्वी का जी का मान इसी से प्रस्तुत करते हैं। तो ये कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी इतना वेग उसका, इतना उसकी गति बढ़ जाती है प्रति सेकंड, तो ये कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। चलिए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, पराध्वनिक विमान आखिर होते क्या हैं पहले ये समझ लें। वो विमान जो कि जो ध्वनि की यानी आवाज़ की जो गति होती है उससे अधिक तेज़ी से चलते हैं वो पराध्वनिक विमान होते हैं। इन्हें सुपरसोनिक विमान या सुपरसोनिक जो रॉकेट्स कहा जाता है। तो ये जो होते हैं ध्वनि की बराबर चाल से चलते हैं, बिल्कुल नहीं, ये चलते हैं ध्वनि की चाल से अधिक से ये चलते हैं। तो ये ध्वनि की चाल से अधिक इसका सही आंसर होगा। और इससे भी एक और ऊपर होता है, ध्वनि की चाल से 5 गुना अधिक अगर कोई चलता है, जिसे 5 मैक कहते हैं, मैक में मापा जाता है ध्वनि की चाल को, तो 5 मैक से अधिक ध्वनि चाल से कोई चलता है तो उसे अति पराध्वनिक विमान कहते हैं, या जो कहते हैं हाइपरसोनिक विमान भी उसे कहा जाता है।
चलिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई क्या है? भू स्थिर उपग्रह आखिर क्या होता है, या भू स्थिर कक्षा क्या होती है, उसकी ऊंचाई क्या है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। देखिए, 35,900 कुछ किलोमीटर है, तो इसे राउंड फिगर में देखा जाए तो यहाँ जो सबसे पास है वो 36,000 किलोमीटर है। तो जो पृथ्वी की जहाँ पर जो उपग्रह पृथ्वी से छोड़े जाते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो इस कक्षा में छोड़े जाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस तस्वीर को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, पृथ्वी जिस गति से गति करती है, तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, ये लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से लेकर ये दूरी तक। तो ये जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो किस तरह से उपग्रह छोड़ा जाता है कि पृथ्वी के साथ साथ, जैसे मालूम पड़ा यहाँ वो उपग्रह छोड़ा, तो जैसे जैसे पृथ्वी गति करती जाएगी, वैसे वैसे वो उपग्रह भी गति करता जाएगा। और उससे क्या होगा कि ये यहाँ वाले जो व्यक्ति होगा, इस सरफेस का जो व्यक्ति होगा, उसे ये उपग्रह एक बिंदु की तरह दिखाई देगा, क्योंकि वो हमेशा उसके सामने रहेगा। तो उससे क्या होगा, वो एक बिंदु की तरह उसे दिखाई देगा। तो ये होती है भू स्थिर कक्षा पृथ्वी की, जहाँ पर कि जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, भू स्थिर उपग्रह जहाँ पर छोड़े जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? ऑक्सीजन बहुत मूलभूत तत्व है पृथ्वी का, और ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती? तो ध्यान दीजिएगा, सीमेंट में ऑक्सीजन होती है, रेत में ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो मिट्टी का तेल होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। चिकित्सीय शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो अरस्तु की शपथ नहीं दिलाई जाती, डार्विन की शपथ नहीं दिलाई जाती, थियोफ्रेक्टस की शपथ नहीं दिलाई जाती, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटस एक जो थे यूनानी विद्वान थे, जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की खोज की थी, और उन्हें बुकारात के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, बुकारात, ना कि सुकारात, इन्हें बुकारात के नाम से जाना जाता है, और या हिप्पोक्रेटस कहा जाता है। तो इनकी ओथ यानी कि शपथ दिलाई जाती है कि वो अच्छे से अपनी पूरी मेहनत से अपने मरीज को ठीक करने के लिए काम करेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, डायोप्टर से मापा जाता है लेंस की क्षमता को। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो रडार की कार्य प्रणाली आधारित है, तरंगों के अपवर्तन बिल्कुल नहीं, डॉपलर प्रभाव बिल्कुल नहीं, रमन प्रभाव बिल्कुल नहीं, रेडियो तरंगों का परावर्तन। देखिए क्या होता है, एक किसी स्रोत से रेडियो तरंगे छोड़ी जाती हैं, जब रेडियो तरंगे छोड़ी जाती है तो वो किसी भी वस्तु से टकराकर वापस आ जाती हैं। तो उससे हमें क्या चलता है, जैसे हवाई जहाज से टकराकर वापस आई, तो हमें ये पता चल जाता है कि हवाई जहाज की हमसे दूरी कितनी है, वो किस गति से उड़ रहा है, वो किस ऊंचाई से उड़ रहा है, और उसका जो चाल है वो कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं रडार से हम पता लगाते हैं, और इसमें यूज़ किया जाता है रेडियो तरंगों का, और रेडियो तरंगों के इसी से वो जो चमगादड़ होती है वो भी इस तरह की तरंगे छोड़ती है, रेडियो तरंगे, और अपने, क्योंकि उसकी आंखें नहीं होती और वो उसी के माध्यम से चीज़ों का पता लगाती थी, रास्ते में आने वाली रुकावटों का पता लगा लेती है, और वो उसी से उड़ पाती है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, पहला नियत बल, प्रथम नियम के बल, प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, प्रथम नियम के बल से जो होता है कि परिभाषा नहीं मिलती, जबकि प्रथम नियम का बल जो कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है, जब तक उस पर बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाएगा, वो वस्तु उसी अवस्था में पड़ी रहेगी, और ये जड़त्व का नियम है, ना कि बल का नियम। दूसरा जो नियम है उससे बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा बल जो है, दूसरा नियम, उससे बल की परिभाषा हमें मिलती है, और तीसरे नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत नहीं मिलता। तीसरा नियम जो कहता है प्रत्येक वस्तु के प्रतिक्रिया में किसी चीज़ की क्रिया में एक प्रतिक्रिया होती है, जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो जो बंदूक होती है पीछे की ओर झटका देती है, तो ये तीसरा नियम कहता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो ये वही हो गया, न्यूटन की गति का पहला नियम, उसे कहते हैं जड़त्व। देखिए जड़त्व क्या कहता है, अगर कोई चीज़ एक विराम अवस्था में है या एक समान गति कर रही है, तो वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध करने का मतलब वो नहीं चाहता, अगर वो सीधी रेखा में है, अगर वो रुका हुआ है, तो उस पर बिना बल लगाए वो आगे नहीं बढ़ेगा, या एक समान गति में है तो बिना ब्रेक लगाए वो नहीं रुकेगा। तो यही होता है जड़त्व का नियम, न्यूटन का गति का पहला सिद्धांत।
लेज़र निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो लेज़र जो कार्य करती है, विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन, ये क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनके अंदर से जो होता है चीज, जो विकिरण होता है वो निकलता है और उनसे तमाम प्रकार की जो किरणें होती हैं वो निकलती है और ये विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन कहलाता है। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, अल्टीमीटर का हवाई जहाज वगैरह में यूज़ किया जाता है ऊंचाई नापने के लिए। फेदोमीटर, जी हाँ, फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। बेरोमीटर का प्रयोग आपको पता ही है, दाब नापने के लिए किया जाता है। और जो पायरोमीटर होता है वो उसका यूज़ किया जाता है जो दूर स्थित वस्तु होते हैं उनका तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसका सही आंसर है फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, तो कंप्यूटर की आईसी चिप जो बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है और सिलिकॉन जो होता है अर्धचालक होता है, तो ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है तो क्या कहलाती है, तो सिंपल सा आंसर है इसका, ये जो कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। वह धातु जो अम्ल व क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो वो जो धातु है वो जिंक है। जिंक अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करती है और हाइड्रोजन देती है, बाकी कोई भी ऐसी धातु नहीं है इनमें से। निम्न में से कौन धातु होती हुई विद्युत का कुचालक है, देखिए धातु की कुछ विशेषताएं होती हैं कि वो विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन एक ऐसी धातु है जो कि विद्युत की कुचालक है और वो धातु है सीसा। सीसा यानी कि लेड जो है विद्युत की कुचालक होती है। निम्नलिखित में से किस अधातु में, यानी कि जो धातु नहीं है उसमें धातु ही चमक यानी धातु जैसी चमक पाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रेफाइट है उसमें भी धातु जैसी चमक पाई जाती है और जो आयोडीन होता है उसमें भी ऐसी चमक पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन जो गैस होती है वो बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा, देखिए गुब्बारे के अंदर जितनी हाइड्रोजन भरी है उतनी ऑक्सीजन भरी है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल आएगी। क्यों तेजी से निकलेगी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से हल्की होती है और जब ऑक्सीजन गैस से हल्की होती होगी तो वो पहले निकलेगी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वर्तमान में हाइड्रोजन गैस का यूज़ गुब्बारे में भरने में नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होती है, इसकी जगह पर जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है, इसकी जगह पर जो है हीलियम गैस का यूज़ किया जाता है गुब्बारों में। चलिए, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, ऐसा क्यों होता है, मतलब जल में डूबते नहीं है, जल की सतह पर नाचने का मतलब है तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है, ऐसा क्यों होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, स्वयंता के, कपूर के, क्या कारण होता है, देखिए ऐसा होता है पृष्ठ तनाव के कारण। आखिर ये पृष्ठ तनाव क्या होता है, बहुत ध्यान से ये चीज आप समझ लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि पानी जो होता है, पानी या कोई भी लिक्विड जो होता है उनके अंदर कुछ अणु परमाणु होते हैं, वो परमाणु एक दूसरे को, जैसे पानी है, अब अंदर के जो परमाणु है वो तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन जो सतह के परमाणु होते हैं उनके अंदर ये एक दूसरे को इस तरफ से तो खींच रहे हैं और इस तरफ से भी खींच रहे हैं, लेकिन ये जगह जो खाली होती है, और ये जगह जो खाली होती है उसके कारण क्या होता है कि ये जो है एक दूसरे को इस तरह से खींच लेते हैं, तो यहाँ पर एक वो जो होता है इसको ये वाली जगह के पानी को बाहर जाने से रोकता है, और जब ये बाहर जाने से रोकता है तो वो क्या बन जाता है, वो एक गोला आकार ले लेता है। तो यही जो होता है इसे इलास्टिसिटी कहते हैं, यानी कि जो इलास्टिक होती है कि जो बन जाती है, उसी तरह से ये पानी का व्यवहार या किसी भी लिक्विड का व्यवहार होता है, और इसी कारण क्या होता है गोल जो होता है, पानी की बूंदें गोल बनती हैं। श्यानता क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, जैसे पानी कम गाढ़ा होता है, घी ज़्यादा गाढ़ा होता है, ऑयल की गाढ़ापन अलग होता है, तो श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। तो ध्यान दीजिएगा क्यों तैरते हैं, तो पृष्ठ तनाव के, आपने देखा होगा मच्छर जो होते हैं वो भी पानी के ऊपर तैरते हैं, पानी के ऊपर बैठे रह सकते हैं, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन की बात करें, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4K पर,
4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान दीजिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पानी का घनत्व जो होता है मैक्सिमम होता है, और ये बर्फ़ जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो होता है कम हो जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। तो जिससे क्या होता है, पानी जो बर्फ़ होता है वो पानी पर तैरने लगता है, क्योंकि वो उससे हल्का हो जाता है और ज़्यादा जगह घेरने लगता है। तो ये उसका कारण है, और उसी के कारण तालाब के नीचे की जो मछलियाँ हैं, अगर तालाब ऊपर से जम जाएँ तो नीचे के जीव जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये 4 डिग्री सेल्सियस के पानी, उसके नीचे 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक पानी होता है और इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में वहाँ रहता है। तो ये उस समय घनत्व अधिकतम होता है। तो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आता है तो इसे हम आपके लिए कंटिन्यू करेंगे, और बहुत जल्द यानी कि इसी महीने में हम इसके पूरे 1000 क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे। हो सकता है 1 से 2 वीडियो पर डे इसके अपलोड करें, ताकि लगभग 40 पार्ट्स में ये पूरा बटा रहेगा। तो इसी महीने में हम इसे अपलोड कर देंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में ये काम आ जाए, या अगले महीने के पहले वीक तक इसे अपलोड कर देंगे हम। तो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमें आप ज़रूर बताएं। चलिए आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे D&K Academy, जो है नंबर 1 GK चैनल। जय हिंद, जय भारत।